हाय गाइस, शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं सच में हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया, डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड लेके आती हूँ। सो यस गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना मैं डोम्स के वैक्स क्रियॉन्स को एक्सप्लोर करूँ। एंड यू गाइस डोंट बिलीव, ये डब्बा मुझे पड़ा सिर्फ 25 रुपए का। That means 25 rupees. And इसमें कितने कलर्स है? भगवान, टोटल है 12 शेड्स इसके अंदर। हालांकि मुझे भी पता ही चीज की वैक्स क्रियॉन से कुछ ऐसे क्रेजी मजेदार धमाकेदार नहीं बन सकता, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाले हैं यार आज। वाओ, इसमें यहाँ पे सिल्वर वैक्स क्रियॉन भी है यार। मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी सुना ही नहीं था कि सिल्वर वैक्स क्रियॉन नामक चीज एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो यार बहुत बेसिक कलर्स होते थे। आई जस्ट होप ये कुछ सही बने। एनीवे यार, काफी बकबक ऑलरेडी हो चुकी है, फटाफट इनको ट्राई करके भी देखते हैं, जिससे कि पता चले कि टेक्सचर कैसा दे रहा है, फील कैसी है, क्वालिटी कैसी है। नॉट बैड, द क्वालिटी इज नॉट बैड गाइज। सो अब फाइनली टाइम आ चुका है अपने सिल्वर वैक्स क्रियॉन को भी यूज करने का। ओ माय गॉड, सिल्वर मतलब ग्लिटर, जो भी बोलना है बोलो, फटाफट इसे यूज करके देखते हैं। एंड सच बताओ तो यार, यूज करने के बाद इतना मजेदार लग नहीं रहा जितना ये साउंड कर रहा है। सो आई डोंट थिंक सो मैं इसको यूज कर पाऊंगी या करने में भी इंटरेस्टेड हूँ। बकवास है ये। ओवरऑल तो देखो, इनका फर्स्ट इंप्रेशन ठीक ठाक ही पड़ा है। जल्दी से इनको शेडिंग के लिए भी यूज करके देखते कि यार इनसे शेडिंग पॉसिबल है कि नहीं। बिकॉज कम ऑन, मैं जो भी आर्ट पीस बनाऊंगी, आई थिंक आई विल बी इंटरेस्टेड कि मैं उसमें डिटेल्स ऐड कर पाऊँ, शेडिंग कर पाऊँ। सो चलो ये भी ट्राई करते हैं। इफ यू गाइज नोटिस हियर, यहाँ पे ना मैं थोड़ा प्रेशर देने के बाद धीरे धीरे हल्के हाथों से छोड़ रही हूँ, एंड फिर जो नेक्स्ट कलर स्टार्ट करी वो हाई प्रेशर के साथ लो प्रेशर में लेके जा रही हूँ। इसी वजह से यहाँ पे जो ये शेड निकल के आ रहा है ये थोड़ा ढंग का आ रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि डार्क कलर का वैक्स क्रियॉन क्या इन कलर्स के ऊपर चल सकता है कि नहीं। एंड यू गाइस कैन सी इट, ये बहुत परफेक्टली चल रहा है। जितना हम आई गेस एक्सप्लोर कर सकते थे हमने कर लिया है। अब फाइनली यार स्टार्ट करते हैं अपने मेन आर्ट पीस को। ये भी आ चुकी है मेरी पुरानी पड़ी हुई स्केचबुक, जिसके अंदर देखते हैं हम क्या बनाएंगे आज। ऑलरेडी स्केचबुक में पता नहीं मैंने क्या क्या कौन कौन से कैसे कैसे आर्ट पीसेस बना रखे हैं, बट आज हमें एक और नया बनाना होगा। लेट्स सी कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। आई एम सो डैम एक्साइटेड। सो सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही है, मैं स्टार्ट करती हूँ एक रफ स्केच के साथ। यहाँ पे मैं बहुत ही पुरानी सी नटराज वाली पेंसिल को यूज कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कुछ बेसिक ही बना रही हूँ जिससे कि आसान हो यार। तो देखो दोस्तों, अब हो चुका है सब कुछ कंप्लीट, तो फटाफट कलरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। सच बताओ तो आई एम नर्वस, क्योंकि अभी तक मैं सारी रैंडम बकवासे चीजें करती आ रही थी, एंड अब आप लोग सीरियसली मुझे जज करने वाले कि हे शिवांगी कैसे बनाने वाली है। एंड सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता कि शिवांगी कैसा बनाने वाली है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई कर रही हूँ गाइस। तो मेरी एक ही विनती है, प्लीज मुझे जज मत करना, प्लीज मुझे जज मत करना, अदरवाइज मैं रो दूंगी। क्या बकवास है ये। हां, आई एम टू sensitive यार। Anyway guys, आप देख ही सकते हो मैंने पहला फूल तो अपना कंप्लीट कर लिया है, एंड अब मैं दूसरा फूल कंप्लीट करने जा रही हूँ। मानो या ना मानो, मैंने शेडिंग बड़े दिल से करी है यार इसमें। हाँ, मानना तो पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे ध्यान लगा के देखोगे तो यार मैं बहुत कम प्रेशर के साथ सब कुछ अप्लाई कर रही हूँ, आई मीन कलर्स को अप्लाई कर रही हूँ, एंड हल्के हल्के हाथों से ही शेडिंग कर रही हूँ। बिकॉज वी नेवर नो कल को क्या गलत हो जाए। भाई ये एक्रेलिक पेंट्स नहीं है कि कभी भी चाहो इसे ठीक कर दो, जो कर दिया वो कर दिया। देयर इज नो लुकिंग बैक। तो इसीलिए ना मुझे ये सारे मीडियम थोड़े ट्रिकी लगते हैं कंपैरेटिवली, बट बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ, बात बात पे बॉब द बिल्डर, बॉब द बिल्डर हो क्या रहा है यहाँ पे यार। बॉब द बिल्डर एंथम है हम लोगों की। चलो यार, यही सब करते करते हो चुके हैं हमारे तीन फूल कंप्लीट, एंड आई एम kind of happy with the outcome. अब बस हमें background पे बहुत तगड़ी तरीके से concentrate करना होगा। हैं? तो मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे फूल हो चुके complete, यही था final, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। Wait यार, आप लोगों को पता है मैं details के बिना जी नहीं सकती, तो end में हम इसमें details add करने का मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। Let's see, बस ये खराब ना हो। हे भगवान मेरा साथ देना। जो भी कहो, अभी ये काफी बकवास लग रहा है। नहीं, second class के बच्चे की painting लग रही है। अबे यार वेट तो कर लो, अभी मैंने हल्के हाथों से लाइट ग्रीन को यूज किया है, अब मैं उन्हीं हल्के हाथों से डार्क ग्रीन को भी यूज करूंगी। मतलब यार थोड़ा आप लोग को सबर करनी पड़ेगी अगर आप मेरी ड्राइंग देख रहे हो तो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही चीजें करती हूँ, एकदम सब कुछ मिला मिलू के रैंडम चीजें नहीं करती हूँ। आप लोग को पता है, पता है ना। हाँ हाँ यार पता है। परफेक्ट, तो यार अगर आप इस सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे, सेम स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो आपके लिए भी जो भी मैं बताती हूँ वो सब कुछ रिक्रिएट करना सुपर डुपर फूपर। क्या बकवास कर रही हूँ। इन शॉर्ट
बहुत इजी होगा। तो यस गाइस, आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप ही चीजों को फॉलो करा करो, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, रैंडमनेस नहीं होती, सब कुछ एकदम परफेक्टली जाता है, मतलब गलत होने के चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। तो यस, देख रहे हो ना मैं कितने हल्के हाथों से धीरे धीरे आराम आराम से कंप्लीट कर रही हूँ, बिकॉज जल्दबाजी में ना गड़बड़ हो सकती है। अब मैं जल्दी से लाइट ब्लू कलर को कंप्लीट करने के बाद डार्क ब्लू कलर से डेप्थ वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आप लोग को पता है अगर मैं शैडो दिखानी तो मैं डार्कर शेड्स को यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने डार्कर शेड्स को अभी तक यूज नहीं किया था कि यार एंड में कमाल दिखाऊंगी मैं। क्या बात है, कमाल एंड ऑल, हाँ हाँ हाँ। अरे यार, ओके गाइस, आप देख सकते हो मैं कैसे धीरे धीरे डार्क ब्लू कलर की हेल्प से नन्नी नन्नी शेडोज क्रिएट करना स्टार्ट कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मुझे लगता है इसी से ही जो बदलाव आएगा इस पेंटिंग में, ड्रॉइंग में, व्हाटएवर, जो भी आपको इसे बोलना है बोल दो यार। यू गाइस आर फ्री। ये वैसे मुझे एक आइडिया है, बनाते बनाते आप लोगों को पता है आप इस पेंटिंग को लिटरली कार्ड की तरह भी यूज कर सकते हो, आई मीन कार्ड का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर प्यारा सा मैसेज लिख सकते हो फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर, व्हाटएवर, जिसके लिए बनाना बनाओ यार, ये कितना प्यारा लगेगा, क्योंकि यूजुअली हम कार्ड्स के बाहर फ्लावर्स ही बनाते हैं ना। अब ये भी सही है यार। बस यार, अब मैं दोनों डार्कर शेड्स को यूज कर करके बैकग्राउंड में भी थोड़ी नन्ही मुन्नी डिटेल्स ऐड करूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स यार बैकग्राउंड में भी तो फूल पत्तियां ही है ना। तो चलो जब तक मैं ये कर रही हूं, अब आप लोग थोड़ा गाना भी सुन लो। एक सेकेंड, अब आप नोटिस कर रहे हो थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ यार ये फूल आगे की तरफ है और बाकी सारी चीजें पीछे की तरफ है, तो इसीलिए हम डार्कर शेड्स का यूज करते हैं। अब देखो यार, डार्क ब्लू एंड पर्पल कलर को तो हमने अच्छे से यूज कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू यूज अ ब्लैक वैक्स क्रेयॉन। ओह माय गॉड, इससे ना बात बिगड़ भी सकती है और अच्छी भी हो सकती है, बट ज्यादा चांसेस अच्छी होने के है, तो जहां जहां पे मुझे डेप्थ ज्यादा शो करनी है मैं फटाफट इसको यूज करना स्टार्ट कर दूंगी, एंड आप देखना अब लिटरल सेंस में मैजिक होगा, मैजिक। देखो मैं चाहती हूँ कि सारा टेंशन इन तीन फूलों में ही हो, इसीलिए मैं बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लरी इफेक्ट दूंगी, थोड़ा डार्कर शेड दूंगी, जिससे ऐसा लगे सब कुछ पीछे है ये तीनों आगे है। चारों दिशाओं से इस बक्से के कॉर्नर से भी मैं डेप्थ शो कर रही हूँ, जिससे कि ऐसा लगे कि ये फूल और ये सब कुछ इस कटआउट के अंदर है। आई एम नॉट रियली श्योर ये कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, बट आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट। एंड देख लो यार, ये ज़ूम इन वर्जन कितना अजीब सा लग रहा है साइड से, क्योंकि वो शाइन आ रही है ना लाइट की। ओ माय गॉड, दिस इज सुपर डुपर क्रेजी। एनीवे गाइस, ये हो रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीट, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड, लाइक मैंने नहीं सच में सोचा था कि कुछ ऐसा बन सकता है, बट आई एम ग्लैड कि वैक्स क्रेयॉन्स को यूज करके हम ये भी कर पाए, एंड आई एम लिटरली सो एक्साइटेड कि मैं इस मीडियम को यूज करके और क्या क्या कर सकती हूँ, बिकॉज दिस वॉज जस्ट आवर फर्स्ट अटेम्प्ट गाइज। प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी ये मेहनत कैसी लगी, एंड अगर आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आइडियाज है तो कॉमेंट करके जरूर बताना, क्या पता नेक्स्ट वीक मैं उसी वीडियो के साथ आ जाऊँ। यस गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आर्ट पीस, एंड अगर आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। एक ना मुझे आप लोगों से कंप्लेन है, आप ना वीडियो को बहुत कंजूसी से लाइक करते हो यार, प्लीज लेट्स जस्ट टारगेट 15,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, और साथ ही में हम इस वीडियो में 3,000 कमेंट्स कंप्लीट करते हैं, एंड मेरा पक्का वादा है कि मैं आप सबको रिप्लाई जरूर करूंगी या हार्ट जरूर दूंगी। Bye!